अगला क्वेश्चन कहता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, समझे। चलिए ये भी क्वेश्चन है, इनको भी दो भाग में बांट लेंगे। एक साइड लिखेंगे अलैंगिक जनन और एक साइड लिखना है, एक साइड अलैंगिक जनन और दूसरे साइड क्या लिखना है, लैंगिक जनन। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन। अब देखिए पहला नंबर की इस चीज़ को बारे में थिंकिंग करेंगे, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन होता का इसमें किसमें किसमें होता है रे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है जो कि निम्न कैटेगरी के जंतु होते हैं, जिसमें कि कहने का मतलब वेल डेवलप शरीर नहीं है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे समझिए एक सेल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक। उसमें जिसको कि हम लोग खुली आंख से नहीं देख पा रहे उसमें अलैंगिक जनन, और हम लोग जितना भी खुली आंख से गाय भैंस बकरी कुत्ता बिलाई देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, लैंगिक जनन, समझे। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन समझ में आ गया, अलैंगिक जनन में एक को पेरेंट भाग लेता है, लैंगिक में एक भी ले सकता है दो भी ले सकता है, लेकिन अधिक से अधिक रहता है दो ही, समझे। तो दोनों चीज को लिख लेते हैं, पहला इसमें लिखना है इसमें एक जनक भाग लेता, कितना जनक, एक जनक भाग लेते, ठीक, कितना जनक लेकर अगला, एक जनक भाग लेते, और इसमें जो है इसमें एक या दो जनक भाग लेते, कितना जनक, एक या दो जनक भाग लेते, समझे, एक या दो जनक भाग लेते हैं, ठीक। अब देखिए नंबर दो, इसमें युग्मक का निर्माण तथा संलयन नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण तथा संलयन होते हैं। अब देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, और इसमें जो है समसूत्री विभाजन भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक। उदाहरण की बात करेंगे तो अमीबा, पैरामीशियम, अगर इसकी बात करेंगे उदाहरण की बात करेंगे तो मानव, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिलाय, बकरी कुत्ता बिल्ली, ये सारा का सारा क्या था, और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। तो आप लोगों को क्लियर रूप से समझ में आ गया, डेली 5 क्वेश्चन करना है शॉर्ट का, अगर मान लीजिए अभी से 5-5 क्वेश्चन शॉर्ट का करेंगे तो महीने में 150 क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे को क्या करना है, डील करते जाना है, और 6 महीने में हमको लगता है 1596 क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझे। चलिए आप लोग जो है इसको लिख लीजिए, जो भी बच्चों को जो चीज़ का तकलीफ हो एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक। मेरी यादों की दरिया का दरिया, ये वाला नंबर है 6203091664। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। आप लोगों को इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात है क्या, आप लोग जो एक घर से बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, उस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि माँ बाप किस तरह से यहाँ आप लोगों को पैसे भेजते हैं, तो उसका बर्बाद ना करें, ठीक। और उसको उपयोग करने का साहस रखें कि समय कहीं और बर्बाद ना हो, तो ठीक। और माता पिता का सम्मान करें, ठीक। कहता है पिताजी का अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी दौलत यह है कि पिताजी होना मायने रखता है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दौलत होगा तो क्या है, पिता होना बड़ी दौलत होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पिताजी का सम्मान करें, माताजी का सम्मान करें, ठीक। इससे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।